चक्रवाती तूफान मिचौंग से जूझने के एक दिन बाद मंगलवार को तमिलनाडु को बारिश से थोड़ी राहत मिली। अब ये कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन इस तूफान ने जो नुकसान आम लोगों को पहुंचाया है उससे उभरने में लोगों को अभी वक्त लगेगा। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहां मिचौंग की दस्तक से कुछ घंटे पहले आई बाढ़ के कारण अकेले चेन्नई में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, कई शहर जो मिचौंग से प्रभावित हुए वहां अब भी मोबाइल कनेक्टिविटी की भारी दिक्कत है, साथ ही लोग बिजली कटौती से भी परेशान हैं। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि उसने 80% बिजली सप्लाई और 70% मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी बहाल कर दी है। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने कहा कि शहर में 42,747 मोबाइल फोन टावर हैं, जिनमें से 70% फिलहाल चालू हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने चक्रवाती तूफान मिचौंग से हुए नुकसान के बाद केंद्र सरकार से मदद मांगी है। स्टालिन की अगुवाई में चल रही सरकार ने कहा कि मिचौंग के कारण हुई बारिश से राजधानी चेन्नई और कई जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। उसी को दोबारा से बनाने के लिए और लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़ की अंतरिम मदद भेजी। डीएमके ने कहा कि राज्य सरकार अपने साधनों से सब कुछ कर रही है, लेकिन बुनियादी ढांचे का नुकसान इतना बड़ा है कि इसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया जा सकता है। वो तभी मुमकिन है जब भारत सरकार मदद का हाथ बढ़ाए। आपको बता दें, डीएमके ने आगे कहा कि 2 दिनों में उनके राज्य में करीब 33 सेंटीमीटर बारिश हुई है और इसने पिछले 47 बरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डीएमके के नेता बार बार कह रहे हैं कि साल 2015 में उन्होंने जिस तरह के हालात का सामना किया था, ये उससे भी बेहद खराब है। लगातार तमिलनाडु की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें उसके कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले कल ड्रोन शॉट से जब तस्वीरें ली गई तो वहां हर तरफ जल भराव ही दिखा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।